अगर कोई बात कर रहे हैं और क्या मुश्किल रहता है, लेकिन हम आपको बता दें नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं शकीना सिद्दीकी। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समाधान यात्रा पर हैं। समाधान यात्रा के दौरान अभी मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर पहुंच गए हैं। मुजफ्फरपुर के बाद समस्तीपुर का भी जायजा लेंगे। साथ ही आपको बता दें कि मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि मैं समाधान यात्रा पर सिर्फ लोगों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए आया हूँ। साथ ही वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी, जिसने कहा है कि महागठबंधन की सरकार बहुत जल्द खत्म हो जाएगी और आने वाले चुनाव में महागठबंधन की सरकार को एक वोट भी नसीब नहीं होगा। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन लोगों को कहिए कि वो खुशियां मनाए। पहले देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 2024 में बीजेपी क्लीन स्वीप है, कहीं विपक्ष से लड़ाई नहीं है, क्योंकि विपक्ष अपनी हार को स्वीकार कर रहा है, इसलिए सब एक मंच पर आ रहे हैं। अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में कहा, अच्छा लग रहा है, खुशी मनाए अपने, हम तो काम करने वाले हम आदमी, पूरे देश में बिहार की सेवा में आ रहे हैं। हम कोई पॉलिटिकल कोई बात कर रहे हैं तो हमसे मत पूछिए, हम तो खाली लोगों के हर लोगों के हित में काम करने के लिए, विकास के लिए और सबके उत्थान के लिए ना हम लगे। सर, बजट के बाद अब ऐसे कौन क्या बोलते रहते हैं पॉलिटिकली, सबको अपना अधिकार। पूरा देश राजनीतिक बजट के बाद आपने कहा था, सर बजट के बाद आपने कहा था जब राजनीतिक कोई बात तो उसी में ना राजनीतिक बात हम कह सकते हैं। सर, बजट के बाद आपने कहा था कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिला, निराशाजनक बजट है। ये तो हम लोग सुन नहीं सकते, लेकिन नंदकिशोर जी ने बता रहे हैं आप लोगों को कितना ज्यादा पटना में है, दिल्ली तक में कहां नहीं हम इसकी मांग करते रहे, सब न करते रहे हम लोग 13 तक का बात करते रहे। चल 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 मुजफ्फरपुर का तो बहुत इम्पोर्टेंस है ना आबादी के दृष्टिकोण से, तो आप हम लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा है, बराबर ना आते रहे, तो इसलिए यहाँ की जो भी चीज रहेगी उसके लिए जितना तेजी से कुछ हो सके उसी के लिए हम। मुख्यमंत्री जी, आज बलियावी जो है वो लगातार बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सेना में 30% मुसलमानों को रखना चाहिए और उसको कश्मीर उनको भेजना चाहिए। बलियावी जी, बलियावी मुख्यमंत्री जी, आज पुलवामा का चौथी बरसी है। एक मिनट मुख्यमंत्री जी, आज मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम आपको बता दें, हम असल मेरा पूरा ध्यान 4 तारीख से ही पिछले साल से लगातार हमारा खाली क्षेत्र। सर, आज पुलवामा का चौथी बरसी है, उसी में सब जगह घूम रहे हैं, यहाँ पर जो कुछ भी मिलेंगे एक एक चीज रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, हर चीज को अधिकारियों को ताकि रखिए और भागे, इसके बाद जब पूरा हो जाएगा तब कुछ दिन के बाद पूछेंगे। सर, आज पुलवामा की जहाँ पता चल गया वहाँ के लिए अब क्या आगे का स्टेप होगा, और हम लोगों को नई अगर नीति बनानी है तो वो भी होगा, तो इसीलिए तो सर आज भी हमको सम्मत पूछिए। कोई अगर बोल दिया है तो बहुत लोग की अपनी आदत है कुछ कुछ बोलने की। मुख्यमंत्री जी, आज पुलवामा का चौथी वर्ष होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या बोला तो हम कभी पूछेंगे बतियाएंगे, आज हम आ रहे थे तब हम रास्ता। मुख्यमंत्री जी, आज पुलवामा की चौथी बरसी है, आज पुलवामा की चौथी बरसी है, पुलवामा की चौथी बरसी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी तक जो हत्यारे हैं बाहर हैं, पुलवामा की चौथी बरसी है। नहीं नहीं, वो तो सब पर तो कार्रवाई हो रही है, बजट से सबके बारे में। मुख्यमंत्री जी, एक और सवाल है मेरा, अमित शाह जी से क्या बात हुई आपकी? शनिवार को आपको फोन आया था अमित शाह का। वो तो यहाँ जो गवर्नर दूसरे आ रहे हैं ना, जी जी जी, तो एक पुराना परंपरा ना, जी जी जी, केंद्र सरकार राज्य से बातचीत करती है, करती है, तो वही बोले थे जी जी, इनका ये जाएंगे तो ठीक ही है, लेकिन आज तक कभी भी हमने नहीं कहा है जी, जो भी केंद्र सरकार चाहती है वो आए, ठीक ही है, उनको कह दे ना ठीक। अच्छा, बजट से पहले भी कहीं निकल रहे हैं जैसा देश यात्रा पे, बजट से पहले भी कहीं निकलेंगे? नहीं नहीं, अभी तो हम आप जान लीजिए कि 16 तक कर लेंगे काम, और उसके बाद तो फिर हाउस चलेगा, बजट वगैरह होगा, और उसमें कहीं कोई जरूरी रहता है, कहीं कोई बात होती तो कहा नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं अभी है। अभी तो सब चीज के बारे में पूरा करके, और अगर जरूरत पड़ेगा ना
तो नीतियाँ भी बनानी पड़ती है ना, तो अभी भी है सेशन भी हम लोगों का होगा, बजट सेशन है तो सबसे देख लेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से लोग बार बार टिप्पणी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महागठबंधन की सरकार टूट जाएगी, ऐसे में नीतीश कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं राजनीतिक मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं, मैं यहां पर सिर्फ समाधान यात्रा पर लोगों की समस्याओं को सुनने आया हूं और उस समस्याओं का समाधान निकालने आया हूं। साथ साथ वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं हर जिला में जा रहा हूं ताकि हर जिले में हो रहे विकास को देख सकूं और कहा क्या कुछ कमी रह गई है और क्या कुछ मैं कर सकता हूं वो देखने आया हूं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।